दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। इस वीडियो में हम मैक फ्लेकनो, जो कि जॉन ड्राइडन की बहुत फेमस पोएम है, की लाइन 30 ऑनवर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले का जो पार्ट है वो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, लिंक आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड कोर्सली क्लैड इन नॉर्विक ड्रैगेट केम टू टीच द नेशंस इन दाई ग्रेटर नेम। तो ड्रैगेट का मतलब होता है थिक कोर्स, जो वूलन का कुछ कपड़ा है, वो उस तरीके की चीज़। तो अब यहाँ पे जो है इस स्टैंजा में जो थॉमस शेडवेल है उनको डायरेक्टली एड्रेस किया जा रहा है जॉन ड्राइडन के द्वारा, जैसे कि वो डायरेक्टली उनसे बात कर रहे हैं। जॉन ड्राइडन जो डायरेक्टली उनके मुंह पे बोल रहे हैं कि तुम जब आए थे तुमने नॉर्विच, जो नॉर्विच है वो शेडवेल का ओरिजिन प्लेस है। तो अब वो कह रहे हैं कि तुम नॉर्विच में ड्रैगेट पहन के, तुम कोर्सली क्लैड ड्रैगेट पहन के तुम आए थे ताकि तुम इस दुनिया को अपना नाम फैला सको, उनको बता सको अपने बारे में। माय वॉबलिंग लूट, द लूट आई विल होम स्ट्रंग When to King John of Portugal I sang। तो मेरा लूट, लूट यानी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट समझ लीजिए आप। तो जब मैं वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया करता था किसके लिए, किंग जॉन ऑफ पोर्चुगल। तो क्योंकि असल में भी उनके जीवन में जो कि है जॉन ड्राइडन, वो काफ़ी वक्त पोर्चुगल में भी रहे थे, वहाँ वो उनके राजा के लिए पोएट्री लिखा करते थे। तो जब मैं अपने लूट पे लूट बजाया करता था वहाँ के राजा के लिए पोएम लिखने के लिए, was but the prelude to that glorious day when thou on silver Thames didst cast the way। तो जब मैं वो बजाया करता था वो असल में एक प्रिल्यूड था उस ग्लोरियस दिन के लिए, उस अच्छे दिन के लिए जबकि तुम थेम्स नदी पे से चल के आ रहे थे या तुम थेम्स नदी में मुझे मिले थे। With well timed oars before the royal barge swelled with the pride of thy celestial charge। अब इसमें हंसने वाली बात ये है कि जब वो पोर्चुगल के राजा के लिए वहाँ गाने गा रहे थे तब उन्होंने थेम्स नदी पे शेडवेल को देखा, जबकि असल बात तो ये है कि जो थेम्स नदी है वो लंदन में बहती है, वो पोर्चुगल में कहाँ से ही बहेगी। तो आई मीन अगेन मॉक पोएट्री, राइट। सो हम नेक्स्ट स्टैंजा पे बढ़ते हैं। एंड बिग विद हिम कमांडर ऑफ एन होस्ट द लाइक वॉज नियर इन एप्सम ब्लैंकेट टॉस्ट। इन लाइनों में जो है जॉन ड्राइडन शेडवेल को कह रहे हैं कि हाँ तुम लंदन में ऐसे है जैसे कि तुम बहुत बड़ी कोई आर्मी लेके आए हो और तुम बिल्कुल जीत चुके हो दुनिया का सब कुछ। और एप्सम ब्लैंकेट टॉस जो है ये असल में शेडवेल का ही एक प्ले था एप्सम वेल्स, जो कि 1672 में पब्लिश हुआ था या यूज़ किया गया, बनाया गया था। तो उससे ये लाइन ली हुई है, मी थिंक्स आई सी द न्यू एरियन सेल द लूट स्टिल ट्रेम्बलिंग अंडरनीथ थाई नील At thy well sharpened thumb from shore to shore, the treble squeaks for fear, the basses roar। अब इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी टाइम। तो एरियन नाम का एक ग्रीक पोएट और म्यूजिशियन था, तो जब वो घर जा रहा था तो कुछ जो सेलर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम इसको मार देंगे और इसके सारे जो पैसे वैसे हैं वो हम लूट लेंगे। लेकिन उसको मारने से पहले उसे मौका दिया गया था कि तुम एक लास्ट गाना गा सकते हो, क्योंकि वो एक म्यूजिशियन था ना, तो उसे कहा कि तुम एक लास्ट गाना गा सकते हो। तो वो लास्ट गाना गाता है और उसके बाद में वो पानी में कूद जाता है। लेकिन जब वो पानी में कूदता है तो एक डॉल्फिन जो है वो उसे बचा लेती है और उसे किनारे पे ले आती है। तो इसका इससे क्या कनेक्शन है हमें अगली लाइन में पता चलेगा। द ट्रेबल स्क्वीक्स फॉर द फियर द बैसेस रोअर इकोस फ्रॉम पिसिंग एली शेडवेल कॉल एंड शेडवेल द रिजाउंड फ्रॉम एस्टन हॉल। तो पिसिंग एली एक्चुअल में इंग्लैंड में उस वक्त में एक जगह थी जहाँ पे कि सब लोग दे यूज टू गो टू रिलीव themselves, सुसु करने के लिए जाते थे वहाँ पे। तो अब ये जो है ये उसे कह रहे हैं कि तुम्हें भी वैसे ही बचा के लेकिन तुम्हें पिसिंग एली में छोड़ दिया गया है, तुम वहीं पे हो और वहीं पे रहोगे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है इसमें उन्होंने क्या किया है कि टॉटोलॉजी यानी जो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स है या वेस्ट, जो फालतू में जो वर्ड्स हम बोलते जा रहे हैं उसको, उसका मजाक उड़ाते हुए उन्होंने यहाँ पे जो पोएम लिखी है, अबाउट thy boat the little fish throng as the morning toast That floats along, कि तुम्हारी जो छोटी सी बोट है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ हैं और वो भी तुम्हारी बोट के साथ आगे बढ़ती है। Sometimes aspirants of thy harmonious band, thou weaves thy paper in thrashing hand। और कभी कभी जो तुम एक राजकुमार है, तुम राजा की तरह तुम्हारे जो पेपर हैं तुम अपने हाथों से यहाँ वहाँ फेंकते हो। Saint Andre's feet never kept more equal time, not even the feet of thy own psyche's rhyme। अब सेंट आंड्रे जो हैं वो फ्रेंच मास्टर ऑफ डांस थे और शेडवेल का जो एक ओपरा था जिसका नाम था साइक, उसमें वो कोरियोग्राफर थे, उन्होंने उसके जो स्टेप्स है उस वक्त पे कराए गए थे। और जहाँ फीट की बात की गई यहाँ पे, तो आपको याद होगा कि जैसे कि हम राइमिंग स्कीम्स में हमारे फीट होते हैं
उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो जो डांसिंग फीट है, ऑफ कोर्स डांस करने में आपको पैरों का यूज़ करना है, लेकिन जो पोएट्री में फीट होते हैं वो अलग होते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो एंड्रे है उसके भी फीट तुम्हें लाइक तुम्हारी जो पोएट्री है उसको राइम नहीं करा पाए। दाउ दाई इन नंबर एज इन सेंस एक्सेल सो जस्ट सो लाइक टॉटोलॉजी दे फेल, और इसीलिए तुम्हारे जो वर्ड्स हैं वो ऐसी टॉटोलॉजी की तरह नीचे गिरते गए। The pale with envy singleton for swore, the lute and sword which he in triumph bore. अब यहाँ पे जिस सिंगलटन की बात की गई है, तो जॉन सिंगलटन नाम का एक कैरेक्टर था जो कि एक कोर्ट म्यूजिशियन और सिंगर है, और विलेरियस एक कैरेक्टर है जो कि इसके ही शेडवेल का एक ड्रामा है द सीज ऑफ रोड्स, उसमें एक और कैरेक्टर था जो कि एक नाइट है जो कि क्षत्रिय हम जिसे बोलते हैं, और इन दोनों को आपस में एक दूसरे से जलन रहती है। तो वो उस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंड वाउड ही वुड नेवर वुड एक्ट विलेरियस मोर, ही हैज स्टॉप्ड द गुड ओल्ड सायर एंड वेप्ट फॉर जॉय। तो उसने कसम खाई, ही वाउड कसम खाई कि वो कभी भी विलेरियस एक्ट नहीं करेगा, यानी विलेरियस यानी स्ट्रॉन्ग या ब्रेव, वो वैसे कभी भी एक्ट नहीं करेगा। और फिर वो वहाँ पर रुक गया और फिर वो खुशी के आंसू रोने लगा, वेप्ट फॉर जॉय इन साइलेंट रैप्चर्स ऑफ होपफुल बॉय। जैसे एक कोई होपफुल बच्चा होता है वो कैसे रोता है, वैसे वो रोया। ऑल आर्ग्यूमेंट्स बट मोस्ट हिज प्लेस परसुएड दैट फॉर अनॉइंटेड डलनेस ही वॉज मेड। और फिर वो कह रहा है कि ये सारे आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन जैसे कि उसके सारे प्लेस जो हैं वो परसुएड यानी वो बता रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि डलनेस, अनॉइंटेड डलनेस के लिए सिर्फ यही इंसान बना है और कोई नहीं हो सकता। तो तुम चाहे कितने भी आर्ग्यूमेंट कर लो, कितने ही पॉइंट रख दो कि ऐसा नहीं ऐसा ऐसा नहीं ऐसा, लेकिन असल में ये इंसान ही सबसे ज़्यादा डल है और यही इस रोल के लिए फिट है। क्लोज टू द वॉल्स विच फेयर अगस्टा बाइंड द फेयर अगस्टा मच टू फेयर्स इंक्लाइंड। अब अगस्टिन एज जो है उसमें सब अच्छी चीज़ें और लंदन को आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन आगे हम पढ़ते हैं। एन एंशियंट फैब्रिक रेस्ड इन फॉर्म द साइट देयर स्टूड ऑफ योर द बारबिकन इट हाइट। अब इस वक्त जो है लंदन में काफ़ी डर का माहौल, भय का माहौल फैला हुआ था पॉपिश प्लॉट की वजह से। तो जो पॉपिश प्लॉट है इसमें यह कहा जाता है कि जो जेसुइट्स हैं वो लोग प्लान कर रहे थे कि किंग चार्ल्स टू जो है उसको मार देंगे। तो ये पूरे पॉपिश प्लॉट जो इसके ऊपर सब जगह बात चल रही थी कि क्या ही सही है, क्या होने वाला है, कौन हो सकता है, कौन नहीं, यू नो लाइक फुसफुसर चलती रहती है। लेकिन ये जो प्लॉट है ये पूरे तरीके से गलत साबित हुआ बाद में, बट फिर भी लोगों को उस वक्त काफ़ी डर था क्योंकि वो चीज़ें हो रही थी उनके सामने। A watchtower once, but now so fate ordains, of all the piles an empty name remains. अब watchtower यानी जहाँ आप ऊपर रुक के सब तरफ देख सकते हो कि कहाँ आसपास क्या हो रहा है क्योंकि आप हाइट पे हो। लेकिन now so fate ordains, लेकिन अब किस्मत देखिए, of all the pile an empty name remains. अब piles यानी जो पूरा heap बना हुआ, जो ढेर बना हुआ, उसमें सिर्फ एक खाली नाम रह गया है। From its old ruins brothel house rise, scene of lewd loves and polluted joys. अब वहाँ पे खाली क्या रह गया है कि एक brothel, brothel यानी जहाँ prostitution होता है उसका जो घर है brothel में, सिर्फ वो वहीं पे वहीं रह गया। और यहाँ पे सारे polluted joys यानी जो बुरे तरीके का enjoyment है, lewd loves यानी जो गंदा घिनौना प्यार है, वो वहाँ पे चलता रहता है। When their vast courts the mother's trumpets keep and undisturbed by watch in silence sleep. और अब इस स्टैंजा से जो है वो एक नर्सरी का पिक्चर हमें दिखाना चाहते हैं कि जो माँ है उसके बच्चे सब सो रहे हैं शांति से, उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, अनडिस्टर्ब बाय वॉच इन साइलेंस दे स्लीप, उनको अच्छे से नींद आ रही, शांति से वो सो रहे हैं। नियर दिस नर्सरी इरेक्ट्स इट्स हेड वेयर क्वींस आर फॉर्म्ड एंड फ्यूचर हीरोज ब्रेड। अब ऑब्वियसली ये आयरोनिक टोन में बात कर रहे हैं, वो उनका मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि हाँ इसी जगह में, इसी नर्सरी में ये जो सब छोटे छोटे आने वाले छोटे छोटे राजा और रानी हैं यहाँ पे इसी नर्सरी में वो बनते हैं, उनके छोटे छोटे से जो हेड्स हैं, हेड इरेक्ट यानी ऊपर उठ के जो छोटे छोटे सर आ रहे हैं ऊपर, यही लोग जो है आगे के हमारे फ्यूचर हीरोज हैं। वी आर अनफ्लेज्ड एक्टर्स लर्न टू लाफ एंड क्राई। अनफ्लेज्ड यानी जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो अभी भी यंग है, तो वैसे जो एक्टर्स हैं वो यहाँ पे हंसना और रोना सीखते हैं, यानी उनकी क्लासेस चल रही हैं। वी आर इन्फेंट पंक्स देयर टेंडर वॉइस ट्राई। और जो इन्फेंट पंक्स, पंक्स यानी प्रोस्टिट्यूट्स की बात चल रही है अगेन यहाँ पे, तो जो छोटी लाइक जो भी यंग प्रोस्टिट्यूट्स हैं वो अपनी आवाज़ों से अपनी आवाज़ें निकालती हैं। एंड लिटिल मैक्सिमिन्स द गॉड्स डिफाई। अब मैक्सिमिन जो है ये एक और कैरेक्टर है जो कि ड्राइडन के खुद के ड्रामा में से लिया गया है, उसकी उन्होंने यहाँ बात की है।
Great Fletcher never treads in buskins here, nor greater Johnson dares in sock appear. अब इस लाइन में जो ग्रेट फ्लेचर की बात की, असल में वो जॉन फ्लेचर के बारे में बोल रहे हैं। वो एक 17th सेंचुरी के प्ले राइटर थे जो कि मोस्टली ट्रेजेडीज लिखा करते थे। और यहाँ पे जो बस्किन की बात की गई है वो एक तरीके के जूते होते थे जो कि एंशियंट ग्रीक ट्रेडिशन में ये जूते उन एक्टर्स द्वारा पहने जाते थे जो कि ट्रेजेडी परफॉर्म करते हैं। इसका रेफरेंस हमने हमारी कुछ और दूसरी पोएम्स में भी देखा है। तो वो ये बस्किन्स पहन के वहाँ पे काम किया करते थे, एक्टिंग किया करते थे। बट जेंटल सिमकिन जस्ट रिसेप्शन फाइंड्स अमिस दिस मॉन्यूमेंट ऑफ वैनिश्ड माइंड्स। तो अब वो कंपैरिजन कैसे कर रहा है कि वो लोग बस्किन्स पहनते थे और बेन जॉनसन जो है, जिसको कि शेडवेल बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, उसकी जो कॉमेडीज़ है उसमें लोग मोजे पहन के जाया करते थे। तो कहाँ तो उनके वो ट्रेडिशनल जूते और कहाँ इसकी कॉमेडी में तो वो ट्रेजेडीज लिखता था और उसके बस्किन वाले जूते, और कहाँ ये बेन जॉनसन की कॉमेडीज और मोजे। बट जेंटल सिमकिन जस्ट रिसेप्शन फाइंड्स अमिस दिस मॉन्यूमेंट ऑफ वैनिश्ड माइंड्स। प्योर क्लीशे एंड सबअर्बन न्यूज अफोर्ड्स द पैंटॉन वैगिंग हार्मलेस वार विद वर्ड्स। तो सिमकिन जो है इसका मतलब होता है कोई जोकर, एक ड्रामेटिक वर्ड में कहा जाए तो एक जोकर। और क्लीशेज यानी जो हम ऐसे गंदे जोक्स नहीं मारते जिसे हम पीजे कहते हैं कि बहुत ही गंदा सा जोक है। तो जो थॉमस पेट्रोन है वो ये चीज़ों को यूज़ करके अपनी कॉमेडी बनाया करता था। शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो ये जो नर्सरी है जिसको कि जॉन राइडन ने एक्सप्लेन किया है, इस नर्सरी में क्या हो रहा है कि इस, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है कि जो जॉन राइडन है वो मानते थे कि जो ट्रेजेडीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा ऊपर की, सबसे बेहतर अगर किसी राइटर को लिखना है तो वो ट्रेजेडीज़ लिख सकता है, फिर वो रोमांटिक चीज़ें लिख सकता है, और सबसे लास्ट में जो कॉमेडी लिखने की बारी आती है उसको उन्होंने सबसे नीचे रखा हुआ है कि कॉमेडी जो है वो कोई भी लिख सकता है, बहुत आसान है। तो जो स्पीकर है, जो हमारे पोएट है, वो कह रहे हैं कि हाँ, इस जगह में, इसका जो राज्य है, जो फ्लेक्नो का राज्य है, जहाँ पे ये नर्सरी स्कूल है, जहाँ पे ये छोटे छोटे राजा रानी हीरोज़ जो है पैदा हो रहे हैं, जहाँ पे ये लोग एक्टिंग सीख रहे हैं, वहाँ पे ट्रेजेडीज जैसी बड़ी चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ऐसे घटिया पीजेस वाले जोक सुनाए जाएंगे और कॉमेडीज़ होंगी और जो वर्ड्स हैं वो बस ऐसे ही होंगे, ऑडियंस भी ऐसी चीज़ें देखेगी और बनाने वाले भी ऐसी ही चीज़ें बनाएंगे, कुछ भी अच्छा या ग्रेट हम इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। Here Flecno, as a place to fame well known, ambitiously designed his Shadwell's throne. तो अब वो बोल रहे हैं कि जो Flecno है उसका जो name fame सब जगह सब उसको जानते हैं, अब वो चाहता है ambitiously यानी expect करते हुए कि मैं कुछ अच्छा करूँगा अपनी life में, उसको बहुत ambition है। तो वैसे ही उसने इस सब को देखते हुए उसने Shadwell का throne यानी जिसपे सिंहासन है, throne यानी सिंहासन जिसपे वो Shadwell बैठेगा, उसने वो design करवाया है। For ancient decor profiles long since that in this pile should reign a mighty prince born for scourge of wit and flail of sense. अब जो थॉमस डेकर जिनकी यहाँ बात की गई है, ये एक इंग्लिश राइटर थे और बेन जॉनसन ने इनका काफ़ी मजाक उड़ाया था कि ये जो डेकर है ये बहुत ही नॉनसेंसिकल चीज़ें लिखता है। तो जो डेकर है उसने प्रोफेसी दी थी, प्रोफेसी यानी हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसा होगा, उसने कहा था कि इसी पाइल में एक माइटी प्रिंस, एक बहुत ही अच्छा राजा आएगा जो कि इसी चीज़ के लिए बना हुआ है कि उसमें न विट है, न कोई बुद्धि है, न कोई सेंस है, वही ऐसी बकवास बोरिंग चीज़ें लिख सकता है। ऐसी प्रोफेसी डेकर ने बहुत टाइम पहले की थी। टू हुम ट्रू डलनेस शुड सम साइकी ओ बट वर्ल्ड्स ऑफ माइसेस फ्रॉम हिज पेन शुड फ्लो ह्यूमरिस्ट एंड हिपोक्राइट्स इट शुड प्रोड्यूस होल रेमंड फैमिलीज एंड ट्राइब्स ऑफ ब्रूस। अब अगर आपको एकदम समझ में नहीं आ रहा तो आपकी गलती नहीं है, ये जो सारी लाइन्स है, चारों लाइन्स, इसमें जो है राइडन ने शेडवेल के जो प्लेज हैं उन सब के बारे में लिखा है। द माइजर उनका प्ले था, द ह्यूमरिस्ट एंड द हिपोक्रिट, ये तीनों जो है शेडवेल के प्ले थे। और जो रेमंड है वो ह्यूमरिस्ट का एक कैरेक्टर है, ब्रूस जो है वो वर्चुओसो का कैरेक्टर है। तो उनके बारे में लिखा और कहा है कि हाँ, यहाँ ऐसे घटिया से राज्यों में घटिया सा राजा होगा जो ऐसे घटिया घटिया प्ले लिखेगा, जो प्लेज हैं द माइजर, ह्यूमरिस्ट, हिपोक्रिट। तो वो इस स्टैंजा में यही बता रहे हैं। अब इस वीडियो का ये पार्ट, सेकंड पार्ट जो है मैं यहाँ ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड की है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हमने ऑलमोस्ट 90 लाइंस अभी तक कवर कर ली हैं, तो अब हमारी आधी पोएम कवर हो चुकी है, सिर्फ आधी और बची है। आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।